कोरोना वैक्सीन, ऑक्सीजन की कमी और वैक्सीन के दामों पर अब राजनीति छिड़ गई है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने वैक्सीन, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के प्रबंधन पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। पायलट ने इन तीनों मुद्दों पर राजस्थान सरकार के पक्ष में स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि देश में रोजाना 3 लाख से ज्यादा कोरोना केस रिपोर्ट हो रहे हैं। सभी को प्रमुख रूप से जीवन बचाने पर ध्यान देना होगा। राजनीति और चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन समय पर जनता को वैक्सीन नहीं लगी और सभी जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसी जीवन रक्षक दवाएं नहीं मिली तो पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। सचिन पायलट ने कहा कि जिस वैक्सीन को भारत सरकार 2 निर्माताओं से 157 रुपए की दर से खरीद रही है, उसी वैक्सीन की 6 करोड़ डोज पीएम केयर फंड के माध्यम से 1 निर्माता से 210 रुपए और 1 करोड़ डोज दूसरे निर्माता से 310 रुपए में खरीदी गई है। इससे जनता के मन में सवाल है। एक ही वैक्सीन के 3 दाम तय करके भारत सरकार ने भविष्य के लिए जनता को भारी कठिनाई में डाल दिया है। ये बहुत ही विचित्र निर्णय है कि एक ही वैक्सीन भारत सरकार को 150 रुपए, राज्य सरकारों को 400 रुपए और निजी अस्पतालों को 600 रुपए में सप्लाई की जाएगी। पायलट ने वन नेशन वन वैक्सीन और वन रेट पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन वैक्सीन और वन रेट आज की सबसे बड़ी जरूरत है, ताकि वैक्सीन की जमाखोरी और कालाबाजारी पर नियंत्रण हो सके। पायलट ने कहा कि सभी दलों की राज्य सरकारें कोविड के संकट से अपने संस्थानों के साथ जूझ रही हैं। ऐसे में वैक्सीन का खर्च केंद्र सरकार को वहन करना चाहिए। वैक्सीन की 6 करोड़ डोज के निर्यात पर प्रश्न उठाते हुए पायलट ने कहा कि ये बहुत ही अफसोसजनक है कि भारतीय वैक्सीन निर्माता को विदेशी सरकारों ने भारत सरकार से पहले आपूर्ति के आदेश दिए। वहीं पायलट ने ऑक्सीजन के विफल प्रबंधन पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत के विश्व के प्रमुख ऑक्सीजन निर्माताओं में शामिल होने के बावजूद भी सरकार अपने मजबूर मरीजों को समय पर ऑक्सीजन नहीं दे पा रही। एक तरफ तो कोविड के एक साल में भारत सरकार 9300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के निर्यात की इजाजत देती है और दूसरी तरफ इस साल में ऑक्सीजन के सुगम और हर समय हर अस्पताल में आपूर्ति के लिए समुचित व्यवस्थाएं नहीं कर पाई। तो वहीं पायलट ने केंद्र की मोदी सरकार को सुझाव भी दिया। पायलट ने कहा कि ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए यदि आवश्यक हो तो हवाई मार्ग का उपयोग किया जाए। 11 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन का निर्यात करने से हुई किल्लत में पायलट ने कहा कि पिछले 6 महीनों में 11 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन का निर्यात करने की इजाजत देना देश के गंभीर मरीजों के लिए भारी पड़ रहा है। अस्पतालों में इंजेक्शन नहीं है और इसकी कालाबाजारी हो रही है। इतना ही नहीं, नकली रेमडेसिविर के स्टॉक पकड़ में आ रहे हैं। वहीं पायलट ने आखिरी में अपील की है कि भारत सरकार को पारदर्शी तरीके से सभी राज्य सरकारों के साथ बात कर जनता के कष्ट को दूर करने के कदम उठाने होंगे, वरना जनता कभी नहीं भूलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज, जयपुर। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें डीपीके न्यूज़।